गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर ओके एंड डूइंग वेल। सो मनाली में आज थर्ड डे है और हम आए हैं अभी हडिम्बा मंदिर में माता जी के दर्शन करने। तो चलो दर्शन करूंगी और आप सभी को भी मैं दर्शन कराऊंगी और फिर कहाँ कहाँ जाती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर। हम लोग हडिम्बा टेम्पल आए हैं और अभी माता रानी का दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से जाएंगे और हडिम्बा टेम्पल ओल्ड मनाली में है। अगर कोई आ रहा है यहाँ पे तो दिस इज़ द प्लेस वे यू कैन कम एंड विजिट। एंड मार्केट भी है इसके सामने, बहुत अच्छी मार्केट है। आपको अगर शॉपिंग वगैरह करने हैं तो फिर आप आके यहाँ से कर सकते हो। चलो अंदर चलते हैं। ये देखो व्यू, देखो यहाँ पे ना ऐसे मार्केट लगी है एंड देखो इस साइड देखो। बहुत ही सुंदर सा ऊंट से बनाया हुआ है टेंपल। हमारी दर्शन हो गई और बहुत अच्छे से दर्शन हुई है। आज ट्यूसडे है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी यहाँ पे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, ब्रेकफास्ट करने, बिकॉज बिना खाकर हम यहाँ पे आए थे। तो अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, फिर उसके बाद जाएंगे अटल टनल। तो आप बने रहो, मैं आप सबको दिखाती रहूँगी आज कहाँ कहाँ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ जी, क्या बोलना चाहते हो आप? सो गाइस हम लोग आए थे यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हम मंदिर गए थे माता रानी जी के दर्शन करने और हम व्रत रख कर गए थे नहा धोकर। तो सोचा यहाँ पे ना रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ पर चलते हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आके हमने जब खाना ऑर्डर करा, चाय बिल्कुल फीकी चाय थी, पराठा भी बेकार सा था एंड क्या कहते हैं आलू पूरी सब्जी वो भी बेकार था। तो जो चीज़ गलत है, जो चीज़ सही नहीं है, उसे तो हम ज़बरदस्ती सही नहीं बोल सकते ना। सही का सही बोलो और जो अच्छे नहीं है वो क्यों मैं बोलूँगी। और हमारे व्यूअर्स को हम कोई गलत सजेशन भी नहीं देना चाहते। जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वही मैं दिखाती हूँ कि ये अपने स्किन के लिए यूज़ करो अच्छी जगह पर, जहाँ सस्ती कपड़े दिखती है मैं बोलती हूँ यहाँ से आके ले लो। और जहाँ जहाँ घूम रही हूँ यहाँ पे भी जो अच्छे लगे होंगे वही मैं आप सभी को बोलूँगी कि आप मनाली का प्रोग्राम करो और आ जाओ घूमने। लेकिन खाने पीने के लिए मामले में अच्छे नहीं है, हमारे दिल्ली जैसा खाना, पंजाब जैसा खाना कहीं भी नहीं है। आई हूँ मैं गार्डन में और मैं आप सभी को दिखाऊंगी यहाँ पे एप्पल, एप्पल के गार्डन है एंड ये देखो। यहाँ पे देखो ये एप्पल है ना, ग्रीन एप्पल। मुझे मनाली में ना एप्पल के ट्रीज बहुत है और ये एप्पल गार्डन है। ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, ये कहाँ नीचे कहाँ देखने को मिलती है दिल्ली में, ये तो सिर्फ पहाड़ों में ही होते हैं। और कितने एप्पल हैं देखो, यहाँ पे भी एप्पल है। ये तो पूरी पेड़ के पेड़ में एप्पल ही एप्पल है, देख रहे हो? वाओ। सो आ जाओ मनाली एंड नेचर का मजा लो, व्यूज का मजा लो। सो गाइस मनाली आ जाओ एंड नेचर का एंजॉय करो एंड ऐसे फ्रेश फ्रेश एप्पल आप पेड़ से तोड़ कर खाओ और नेचर एंड व्यूज देखो, बहुत ही सुकून मिलती है। एंड अभी हम लोग जाएंगे अटल टनल, सुबह पे चल के मिलते हैं। चलो
गाइस ये है रोड रोहतांग पास जाने के लिए और ये व्यूज देखो आप, इट्स सो ब्यूटीफुल। मनाली आ रहे हो तो व्यूज के लिए, मतलब यहाँ पे इतने अच्छे पिक्चर्स, वीडियोस, रील्स, सारी चीजें बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर है यहाँ के व्यू, बहुत ही, आई थिंक आगे और ज्यादा अच्छा होगा। और अभी हम 30 मिनट में पहुंच भी जाएंगे अटल टनल, देखते हैं फिर वहाँ पे हमें कैसा व्यू मिलता है। सो गाइस हम पहुंच गए अटल टनल और ये देखो ये नजारा, ये यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं अटल टनल और ये व्यू देखो, इट्स लाइक अ हेवन, वेरी ब्यूटीफुल। अब हम इसके अंदर जाएंगे ना? हाँ जी इसके अंदर जाएंगे। आगे हम कहाँ जा रहे हैं? रोहतांग पास। तो गाइस अभी भी हम अटल टनल में हैं, ये 9 किलोमीटर की है शायद टनल जो है, वी आर नॉट श्योर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं टनल क्रॉस करके एंड यहाँ पे ऐसी ढलान है, अभी गिरने वाली थी मैं, बहुत सुंदर है, हल्की हल्की ठंडी भी है, बहुत मज़ा। ये देखो व्यू और ये रही अटल टनल, क्रॉस करके हम इस साइड आ चुके हैं रोहतांग पास। ये है चंद्रा ब्रिज और ये है व्यू एंड ये है रिवर, बहुत ही सुंदर है, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। एंड इस साइड ये देखो, देख कर आइए, ये रिवर है, बहुत सुंदर है। आओ एंड नेचर का मजा उठाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। गाइज हम अभी सिसु में है एंड यहाँ पे देखो रिवर भी दिख रही है आपको एंड हिल्स भी दिख रहा है, बट ये अगर आप विंटर में आओगे ना तो आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। मैं तो नहीं आ पाई विंटर में, सो हम लोग आए हैं समर में और समर का यही है व्यू। तो गाइज अब हम सिसु पहुँच गए और यहाँ पर ना बहुत सारे खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल है, आप यहाँ पर आके चाय और मैगी और जो भी बहुत सारे खाने मिलते हैं आप यहाँ से खा सकते हो, मैं आपसे भी तो दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो ऐसे स्टॉल लगे हैं, यहाँ पे आप खा सकते हो, यहाँ पे पराठे, चाय, छोले भटूरे वगैरह है ना, ये फूड ट्रैक है। आ रही हूँ दिखा रही हूँ, यहाँ पे होम स्टे भी काफ़ी है, अगर आपको यहाँ पे आके होम स्टे करना है तो आप कर सकते हो, वैसे अगर आप ठंड में आओगे तो बहुत ही आइस बर्फ आपको दिखेगी, बट अभी तो नहीं है, फिर भी ठंड हवा। आंटी का रेस्टोरेंट है, क्या नाम है आंटी आपका? मेरा यांगजोम। हाँ यांगजोम, यांगजोम ये आंटी के यहाँ पे खाना बहुत ही टेस्टी मिलता है, अगर आप आ रहे हो तो जी मैंने ऐसे आपको होम स्टे मिल जाएंगे यहाँ पे, आगे तक की है, ये है दी ब्लू बार होम स्टे एंड ये मार्केट है, यहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, ये भी होटल है एंड आगे तक आपको व्यू देखो। अगर किसी को रेंट पे बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी है एंड स्टे करना है, होम स्टे तो बहुत सारे है ही, ये भी होटल है वेलिना एंड रेस्टोरेंट, सो
सो यहाँ पे घर ऐसे होता है। सो गाइस ये है सिसू के कैफे, सिसू कैफे, एंड चलो अंदर चल कर दिखाती हूँ। एंड बाहर का व्यू तो आप देख ही रहे हो। ये है सिसू कैफे, बहुत ही फैंसी सा कैफ़े है, और यहाँ पे भी बहुत तेज़ म्यूज़िक चल रहा था इसलिए मुझे यहाँ पे म्यूट करना पड़ा। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कर सकते हो, एंड यहाँ पे बैठ के आप ये। सो गाइस हम सिसू से आगे ही जाने वाले थे लेकिन रास्ते में अचानक से बादल फटा, एक भयानक दृश्य हमारे सामने हो चुका है, तो हमें बहुत डर लग गया और हम अब वापस जा रहे हैं मनाली की तरफ। मेरे सामने ये देखो अटल टनल, दिस इज द टनल जो सारे लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। और ये देखो व्यू, देखो आप व्यू, ये सेल्फी पॉइंट भी है, यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल्फीज लेते हैं। धूप हल्की। सब सिसू से घूमकर वापस आ गए और अभी मैं अटल टनल के बाहर हूँ और ये मेरे पीछे आप व्यू देखो, इट्स सो मेस्मराइजिंग। अभी शाम हो गई है तो शाम होते होते वेदर भी बहुत ही ब्यूटीफुल हो चुका है, बारिश नहीं हो रही है, ठंड भी है यहाँ पे बहुत। चलो इस व्यू के साथ मैं इस ब्लॉग की एंडिंग ले रही हूँ, आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब ध्यान रखना। See you in my next vlog. Bye bye.